हेलो दोस्तों, स्वागत है फिर से एक नए ब्लॉग में। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, फिर से एक मेंबर हमारे आए हैं हाउस शेयरिंग बिहार में। तो वो काफ़ी दिन से हमें तो दोस्तों मैं उससे आपसे मिलवाना चाहते हैं। वो काफ़ी दिन से आए हैं, तो हमारा ही शहर का है, भागलपुर का। वो बचपन से बोलता था, भैया मैं आपका यूट्यूब चैनल देख रहा हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो मैं आपके साथ हाउस शेयरिंग करना चाहता हूँ। तो कोई बात नहीं, मैं बोले कि ठीक है भाई, आओ शाम में। तो वो दिन आ चुके हैं, वो आए हैं मेरे से मिलने के लिए, वो घोड़ा चलाना चाहते हैं। तो आइए हम उससे आपको मिलवाते हैं, और वो कहाँ से आए हैं वो भी हम आपको बताते हैं। तो आइए मिलवाते हैं। ये है इसका नाम देवराज। ठीक है दोस्तों, आप इसी से पूछ सकते हैं कैसे आपको लत लगा, क्या हुआ घोड़े का, कैसे वो संपर्क में आए घोड़े का। तो इससे जानिए दोस्तों कैसे। अपना नाम पहले बता दिए दोस्तों दर्शक को हमारे। मेरा नाम देवराज, हम हॉर्स रेडिंग बिहार देख रहे थे यूट्यूब पे, तो मतलब अच्छा लगा वीडियो देखने में। घोड़ा मतलब सीखने का शौक था बहुत पहले से, और मतलब टाइम नहीं मिल रहा था, तो फिर इनसे संपर्क किए। तो फिर उसके बाद आपको लगा कैसे, कब से ये बचपन का शौक है या बड़ा का शौक है, ये अभी से ये कब से ही आपका शौक है? मतलब जब से आपका वीडियो देखे थे हॉर्स राइडिंग बिहार, आप मतलब मेरा आप चैनल देख के आपको शौक लगा? उससे पहले कोई शौक नहीं था? कोई शौक नहीं था, ये भी बात है। तो कैसा लगता है कि आप चलाना क्या चाहते हैं? आप इससे पहले कभी चलाए हैं घोड़ा? कभी नहीं, कभी नहीं। तो ठीक है दोस्तों, ये भी आए हैं तो कोई बात नहीं, इसको कुछ आते नहीं है, फिर भी हम हैं हॉर्स राइडिंग बिहार में, मैं इसको सब कुछ बता दूंगा। आज तो इसका पहला ट्रेनिंग रहेगा दोस्तों, कि सबसे पहले ये घोड़े से अपना डर दूर करें, क्योंकि बहुत से लोग आते हैं तो डर लगते हैं सबसे पहले। तो इससे पहले हम इसे इंट्रोड्यूस करवा देते हैं अपने घोड़े से, और इसके बाद बताते हैं कैसे ये डर ख़त्म करते हैं और कैसे इस पर सवारी कर सकते हैं। अगर ये तो आप लोग पहले ही बताए थे कि ये लोग गाड़ी तो है नहीं, आप चाबी देते स्टार्ट करते हैं। पहले घोड़े को दिल से लगाव लगना पड़ता है, उससे पहले प्यार करना होता है, उसके बाद घोड़ा उसको समझता है या उसका मालिक है या जो भी है सीखने के लिए आए हैं। तो आइए इससे मिलवाते हैं, इसका नाम है काजल, ये आपको सवारी करवाएंगे। तो आइए, कुछ हमारे हैं हमारे सैफ भाई से भी मिल लीजिए, आप लोग जानते हैं ये रहा हमारे सैफ भाई, ये भी हॉर्स राइडिंग में। तो आइए जानते हैं क्या घोड़े के बारे में क्या जानते हो तुम? कुछ नहीं, क्या आज इसको बताऊंगा कि घोड़े के लिए पहले आप प्यार करिए, उसके बाद लगाम के बारे में बताएंगे, उसके बाद बैठने के लिए बताएंगे, उसके बाद इसको बैलेंस बनाने के लिए। तो आज मेरा फर्स्ट होगा दोस्तों, इसको हम बताएंगे घोड़े से पहले आप संपर्क बनाइए। अगर कोई भी चीज़ हो आप उससे प्यार मोहब्बत ही करके जीत सकते हैं। अब आज आए अचानक से मैं बैठ जाऊं या कुछ हो जाए, आपको ये बहुत इम्पॉसिबल होता है। पहले इसको समझिए अच्छे से। ये हमारे आए थे, हम इसको आपको बताना भूल गए दोस्तों, ये हमारा ही शहर का 5 किलोमीटर है, जो साहेबगंज का ही निवासी है। ये बहुत दिन से मेरा वीडियो देख रहा था, तो पता है वो दिन आ चुका है, मैं आपको पहले बता दूँ। चलिए हम इसको बता देते हैं। पहले आपको दोस्तों, पहले आप इससे प्यार करेंगे जो हमारे सैफ भाई बता देते हैं आपको, उसके बाद थोड़ा सा हम आपको बता देते हैं। चलिए सैफ भाई से जब भी आइए तो पहले घोड़े को अपनी तरफ आप इसका नाम दें, प्यार नाम यही से करता है। जैसे कि ये काजल, तो इससे आप कैसे इससे करीब हो जाएगा, ये आपको कैसे पहचानेंगे? उसके लिए आपको इसको प्यार करना होगा, इसको आपको अपने करीब बताना होगा कि आप इसके सवार, आप इससे के प्रेमी हैं। क्योंकि आप ऐसे के साथ अगर किसी भी नए घोड़े पर बैठ जाइएगा, वो तो आपको पहचानेगा नहीं, वो गिरा सकता है या लात मार सकता है या दांत काट सकता है। तो सबसे पहले जानवर जो सभी है उसका नाम लेकर के उसका सर चढ़ाइए, पहले नाम पकड़ के रखिए, फिर से दोस्ती करिए, उसके बाद ऐसे करते रहना। क्योंकि जितना इसको आप प्यार कीजिएगा उतना ये भी आपको प्यार कीजिएगा। आपको इससे कितना डर लगता है? इस वजह से पहले आप इससे दोस्ती बनाइए, ठीक? दोस्ती बना के उसके बाद आप ये लगाम है, ठीक? एक दो बार पूरा फील्ड में राउंड मारिए, क्योंकि आपका इससे डर खत्म हो जाएगा। जैसा कि आपके सैफ भाई भी बताया कि आप पहले घोड़े से प्यार करिए, हाँ ये बात सही है, आप पहले अपने घोड़े से प्यार करिए, आप उसको जानकारी दीजिए। अगर कोई भी दोस्त आप अनजान आदमी से मिलते हैं तो अपना इंट्रोडक्शन देते हैं, उसी तरह आप घोड़े से मिलने आए, आप तो बाइक नहीं चला रहे पहले हम बताएं, उसी तरह आप प्यार करते रहिए इस तरह, ठीक? कि हाँ वो समझेगी कि काजल 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 जब भी आया तो नाम पुकार के काजल ऐसे पूरा बॉडी आपकी। उसके बाद आप पहले इतना वो काम करिए, उसके बाद हम आपको बताएंगे आगे कैसे बढ़ाते हैं, क्योंकि आगे भी बढ़ाने के लिए। दोस्तों इसका काम हो चुका है, एक स्टेप, ये एक स्टेप सीख लिया। अब इनको घोड़ा बढ़ाने के लिए आगे पहले बताते हैं, पहले इससे वार्म अप करवाते हैं, इससे पहले जो भी डर होता है वो पहले हम निकाल देते हैं।
तो आप ऐसे कर सकते हैं, ये दोनों लगाम को पकड़ के आप पहले राउंड मारिए, ठीक। इससे होगा क्या दोस्तों, इससे जानेंगे भी, जो भी तुम चलते रहो भाई, ये इससे होगा क्या दोस्तों, इससे डर बना रहेगा और ये थोड़ा सा जो भी हिचकिचापन होगा मन में घोड़े को लेके वो थोड़ा दूर हो जाएंगे, जो इसका आप देख सकते हो। उससे पहले दोस्ती करके उधर जो भी होगा, ये अपना दोस्ती करके जो भी अपना डर होगा वो ख़त्म कर देगा। तो वो पहले एक दो राउंड मार लेते दोस्तों, मैं आपको दिखा देता हूँ, देख सकते हैं। हम आपको पहले ये बताएं, ये इससे पहले जो भी डर होगा वो, जो भी डर है घोड़े से लगते हुए वो उसका पहले रिकवर हो, पहले इसका डर खत्म करने से, उसके बाद दूसरा स्टेप है वो भी हम आपको बता दें, देख सकते हैं। हम आपको पहले ये बताएं, ये इससे पहले जो भी डर होगा वो, जो भी डर है घोड़े से लगते हुए वो उसका पहले रिकवर हो, पहले इसका डर खत्म करने से, उसके बाद दूसरा स्टेप है वो भी हम आपको बता दें। देखते हैं, अभी हम इसको दिखाए थे वार्म अप करने के लिए, आप इससे पूछना चाहते हैं क्या इसका डर अभी भी है या डर निकल चुका, तो इन्हीं के मुझसे सुनना चाहते हैं, तो आप लोग आइए बताते हैं। तो हाँ, कैसा लगा हमें अभी आपको ये घोड़ा घुमाने में? मेरा आधा डर खत्म हो गया। कस के बोलो भाई, मेरा आधा डर खत्म हो गया। कस के बोलो, यही तो बात है, कस के बोलो, आधा डर खत्म हो गया। और क्या, मतलब अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा, मतलब घुमा के इसको, और घोड़ी बहुत अच्छी है। तो अब इसका हम दूसरा स्टेप बता देते हैं दोस्तों, ये थोड़ा सा आज फर्स्ट टाइम है, नर्वस हो रहा है, कोई बात नहीं, चलिए हम बता देते हैं ये दूसरा स्टेप क्या करना है इसको। अब इसको समझना ये है कि घोड़ा ये अपना मर्जी करता है, तो अपना मर्जी से नहीं चलने देना, खुद का मर्जी से चलने देना। अगर इसका मर्जी से चलिएगा तो आपको राइट जाना है तो लेफ्ट ले जा सकता है, इस वजह से ये उसका लगाम है। जो इसका ट्रेनिंग आगे होगा दोस्तों, कल मैं इसको बताऊंगा अच्छे से। आज के लिए यहीं तक समाप्त करते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करिए। अगर आप लोग भी हॉर्स राइडिंग करना सीखना चाहते हैं तो मेरा पता है, मेरा इंस्टाग्राम का पेज है हॉर्स राइडिंग बिहार, और फेसबुक का पेज है हॉर्स राइडिंग बिहार, वहाँ जाके कमेंट करिए, मैं आपको बताऊँगा। मेरा लोकेशन है KNB कॉलेज भागलपुर। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो, अभी के लिए बाय बाय।